ये आज मैंने शिमला मिर्च की सब्जी कुकर में बनाया है। सुनिए मेरी बात, आपको कुकर की सिर्फ एक सीटी देना पड़ेगा। अगर आप कुकर की सीटी एक से ज़्यादा देंगे ना तो देखिए क्या हो सकता है, लेकिन वीडियो के एंड में आप देखेंगे। मेरी तरह से, मेरे अनुसार प्लीज आप एक बार बना के देखिए शिमला मिर्च की सब्जी। ये शिमला मिर्च की सब्जी हम कुकर में बना रहे हैं। जल्दी में हैं आप तो ये फट से बन जाएगा। इससे सिंपल कोई और सब्जी नहीं बन सकती। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैंने ये दो प्याज लिए हैं। एक प्याज मैं काटूंगी इस तरह से एकदम बारीक, और दूसरा प्याज मैं काटूंगी चौकोन में, क्यूब्स में। इन कलियों को अलग अलग कर लेंगे। ये सभी प्याज की कलियां हम अलग अलग कर लेंगे। शिमला मिर्च को भी हम चौकोन चौकोन काट लेंगे। इस तरह से काट लेंगे हम बड़े बड़े पीसेस में। अब मैं ये सब काट लूंगी। देखिए मैंने ये एक प्याज बारीक काट लिया था, एकदम बारीक, फाइन एकदम। और एक प्याज को मैंने चौकोन चौकोन काट लिए हैं इस तरह से, और शिमला मिर्च को भी चौकोन काट लिए हैं इस तरह से। अब हम लेंगे मसाले के लिए 3 हरी मिर्च मैंने लिया है। आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि हम लाल मिर्च पाउडर भी डालने वाले हैं। लहसुन 8-10 कलियाँ, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा और आधा चम्मच जीरा। अब इसको हम मिक्सी जार से हम इसको दरदरा पीस लेंगे। ये मैंने दरदरा पीस लिया, तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये मैंने कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे तेल। आप अपने मर्जी से तेल डालिए, कम या ज़्यादा। मैं यहाँ 2 चम्मच डाल रही हूँ। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम वो बारीक कटा हुआ प्याज। फिर 2 मिनट के लिए, जब तक प्याज का कलर नहीं बदल जाता तब तक हमको इसे भूनना है। अब इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन हरी मिर्च और जीरा का पेस्ट। अब तब तक भूनेंगे जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन नहीं निकल जाता। ये भुन गया है अच्छी तरह से। हम डालेंगे सूखे मसाले। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, हिंग 2 चुटकी, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आप अपने हिसाब से डालिए, नमक स्वाद अनुसार, और ये गरम मसाला 1/2 चम्मच। इसको मिला लेते हैं हम अच्छी तरह से। थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं, मसाले भुन गए तब तक। फिर इसमें पानी डालेंगे। हम इसमें डालेंगे ये प्याज, ये जो चौकम चौकम काटे थे ना, ये सब। इसको मिक्स कर लेते हैं।
और अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। इसको मिक्स कर लेते हैं, मस्त एकदम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसका हम ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे एक सीटी देते हैं। सुनिए मेरी बात, एक सीटी, उससे ज्यादा नहीं देना है। सीटी होने को है अभी, और जैसे ही होता है मैं गैस बंद कर दूंगी। ये सब्जी अगर हम घी में करते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अगर हम घी में बनाते हैं तो वो टिफिन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि घी जम जाता है। तो अगर टिफिन में ले जाना हो तो आप ये सब्जी तेल में ही बनाएं, और अगर आप गर्मा गर्म घर में ही खाना चाहते हो तो आप इसे घी में बना सकते हो। ये आया सिटी आया। चलो मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के बाद ही खोलूँगी। कुकर ठंडा हो गया है, अब मैं इसका लिड निकाल लूँगी। अरे वाह, जला भी नहीं कुछ नहीं और पक गया है अच्छी तरह से। और आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि एक की सीटी देना है, अगर आप ज़्यादा देते हैं तो वो नीचे से जल सकता है, क्योंकि हमने पानी भी नहीं कुछ भी नहीं डाला है। अब तो आप समझ गए ना कि मैंने क्यों कहा कि एक ही सीटी देना है। तो चलिए हम ये निकाल लेते हैं एक बाउल में। ये मैंने सब्जी बाउल में सर्व कर लिया है, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना मस्त एकदम। और अब आप पूछोगे कि मैंने ये दो प्याज जो थे, एक बारीक क्यों काटा और एक मोटा क्यों काटा। तो आप देखिए, हाँ ये रहा ये वो बड़ा प्याज, बहुत ही टेस्टी लगता है ये, मुंह में आता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। और जो बारीक कटा हुआ था तो उसका ये मसाला तैयार हो गया, और हमें कुछ भी नहीं डालना पड़ा ज़्यादा मसाले स्पाइसेस। आप मुंह में डालोगे ना तो ये घुल जाएगा, पराठे भी आपके नरमा नरम और गर्मा गर्म रहेंगे ना तो बस आप ये दोनों चीज़ें एक कौर लेंगे तो पूरा घुल जाएगा मुंह में। और अगर आप ये टिफ़िन ले जाते हो स्कूल में या कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में कहीं भी जो ऑफिस में, तो जो ये खाएगा वो बोलेगा कि कैसे बनाए ये सब्जी। इंजॉय कीजिए इस शिमला मिर्च की सब्जी जो मैंने बनाया कुकर में, और वो भी फटाफट हो गया। एक बात याद रखनी पड़ेगी कि एक ही सीटी देना है कुकर का, वरना ये सब्जी जल जाएगा। एकदम सुंदर बन गया, एकदम मस्त, एकदम टेस्टी, वेरी वेरी नाइस यम्मी सब्जी बन गई है। तो एक बार प्लीज मेरी तरह से बनाइए ये सब्जी।